क्वेश्चन नंबर 5 day 9। चलो बार अटेंडेंस दे दो फटाफट, उसके बाद मेरे को डाउट्स बता देना। क्वेश्चन डे 9। हो गया सबका अटेंडेंस, स्टार्ट करें तो आप लोग परमिशन से हम लोग डे 9 का 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमको साइन थीटा दिया है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको वैल्यू निकालना है कॉस थीटा एंड टेन थीटा का। तो साइन आपको पता है, अगर आपने कॉस निकाल लिया तो टेन थीटा आपका वैसे भी निकल जाएगा। तो हम सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, भाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो इसको पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, रूट उसके बाद लगाएंगे। देखो तो 1 माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस ब्रैकेट a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस, ओके ये स्क्वायर केवल इसके ऊपर याद रखना, ये 1 के साथ नहीं, केवल इस पार्ट के। तो ऊपर क्या बन जाएगा a स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर आपका क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 2 से ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके ऊपर क्या लगना है, रूट लगना है, तब क्या निकल जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब रूट हटेगा ऊपर आ जाएगा बी, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमको क्या निकालना है टेन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हमारा क्या होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा बी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो क्या बच जाएगा ए अपॉन बी। कोई डाउट कोई शक, देख लो कोई भी स्टेप ए बी सी कुछ भी हो सकता है, नंबर की जगह कुछ भी दिया पर साइन थीटा कॉस थीटा वही रहता है, वही आइडेंटिटीज होती है। है किसको डाउट इसमें, चलो और कोई डाउट डे 9 में। ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री फिनिश करें। क्वेश्चन नंबर 4, ओके क्वेश्चन जी, यहाँ पर हमको कोसेक थीटा दिया है और हमको बाकी वैल्यूज निकालनी है। अब उसको देखो हम कोसेक थीटा कैसे बना सकते हैं। साइन थीटा है कोस अपॉन साइन बनेगा और फिर साइन बनेगा, यहाँ टेन है साइन थीटा कोस थीटा, बड़ी वैल्यू बनने का पूरा चांस है। चलो उसको शुरू करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं कैसे बनते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस कोट को साइन और कॉस में चेंज कर देता हूँ और इस टेन को भी चेंज करता हूँ, कैसे बनता है देखते हैं, ट्राई करते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसी बने कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वन रख सकते हैं। इसके नीचे देखो क्या बनेगा, फोर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, फोर एकदम बाहर है, आगे है माइनस कॉस का थीटा ऊपर है अपॉन वन। ओके ओके, फर्स्ट हमने गड़बड़ हो गई, थैंक यू शकल, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। ये क्या हो जाएगा हमारा, थ्री कॉस का थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बनेगा, ये तो ठीक है, फोर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस का थीटा माइनस कॉस का थीटा वन। इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा देखते हैं, एलसीएम लेते हैं, ये क्या बन गया, टू साइन फोर थीटा प्लस थ्री कॉस का थीटा, नीचे बनेगा फोर पूरा है कॉस का थीटा, यहाँ बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस फोर थीटा। और कुछ बन सकता है ना इसमें, टू साइन फोर थीटा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ नीचे आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस फोर थीटा, इनटू में चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट और कॉस में चेंज हो गया। ये सीधे से नहीं आएगा साइन स्क्वायर थीटा, मैं ट्राई करता हूँ इधर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ले लिया, सर हम अंडर रूट ए प्लस बी को अंडर रूट, ये तो बेटा पिछले वाला क्वेश्चन है ना, प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर कितना है, फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका सिंपल तरीका है, साइन की वैल्यू मालूम है तो हो गया, वो भी चेंज हो गया, टेन को चेंज कर दिया इसमें कॉस, इसको सॉल्व कर भी कर लिया, कितना चेंज। और कोई आइडिया आप लोगों को दिख रहा है, कोई टुकड़ों में तुम्हें तो जितना करते होता करते जाएंगे साइन और कॉट। सर फॉर्म से वी कैन फाइंड द वैल्यू, हाँ वो तो मिल जाएगा। मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, इस पूरे पार्ट को किसी तरह कॉसेक थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे कि डायरेक्ट हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ऐसे तो आंसर आएगा क्योंकि साइन थीटा हमको मालूम है कि वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, ऐसे तो कोट आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होता है, वैसे तो आंसर आ ही रहा है, उसका इशू नहीं है। ऊपर वाले पार्ट में तो इजी है, नीचे टेन है और कॉस है,
cos sin cos, या फिर इसको फिर मैं वही चाह रहा हूँ कि उसको क्या हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर पाएंगे क्या? तो देखो अब यहाँ तो मेरे लिए इजी है, ये मेरा साइन है, ये मेरा कॉस है, ये साइन है, ये कॉस है, मैं इस कॉस को भी साइन में चेंज कर सकता हूँ। मैं आइडिया ढूंढू कुछ फास्ट हो गया। कैन यू टेक कर्नल क्वेश्चन नंबर 4? सो फ्रॉम कॉस इन फाइंड द इक्वेशन इन कॉस इन टू फाइंड द टाइम। ऐसे सब निकल गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कोई डायरेक्ट कन्वर्जन मेरे को मिल जाए, 2 sin 4 theta + 3 1 - sin² theta, sin² theta, cos² theta, -cos² theta, -cos² theta। मैं इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 2 3 1, किसका उसको एकदम अच्छा चटपटा आइडिया है तो वो मैं ढूंढ रहा हूँ। ऐसे तो मैं कौन सा ला दूँ 2 मिनट में, उसका इशू नहीं है। जी है किसी को चटपट आइडिया, सोचो जल्दी। सर किस लिए? और इसलिए ताकि इस इक्वेशन को हम कोसेक थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब ऐसे तो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर सिर्फ आंसर ही लिखना है तो कोसेक थीटा हमको दिया है √2, साइन थीटा क्या बन गया 1/√2, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, √2 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या बन गया कोट स्क्वायर थीटा, 2 - 1 कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1। साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई। अगर कोट स्क्वायर थीटा मिल गया तो फिर मिल गया हमको 10 स्क्वायर थीटा, 1/cos² θ होता है, ये भी कितना हो गया 1। ठीक है, उस तरह cos² θ 1 - sin² θ, 1 - 1/√2 का स्क्वायर 1 - 1/2, ये हो गया 2 - 1, ये नीचे हो गया 2, तो cos θ भी आपका आ गया 1/√2। आपको सारी वैल्यूज cos² θ ये कुछ है, cos² θ 1/2, sin² θ 1/2, cot² θ 1, tan² θ 1, मिल गई सारी वैल्यूज। sin का पता है, cot का पता है, tan का पता है, cos का, इसका सॉल्यूशन तुरंत निकलता है। सर cos² = 1, हाँ वो हमें कर दिया ना, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में कैसे आए या कैसे आना उसकी बात करो, मैं चाह रहा था कि इसको पूरे को हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सेकंड, ठीक है, ये देखो वैल्यू पुट करेंगे, 2, साइन की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 3, कॉट की वैल्यू कितनी है 1, कॉट स्क्वायर थीटा की 4, टेन स्क्वायर थीटा 1, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 1/2, ये से कैंसिल हो गया, 1 + 3 यहाँ पर 4,
यहाँ पर आएगा 1/2, इसको कैंसिल किया 2, तो 4/2 इनसे कितना आ गया 2। ऐसे तो आंसर सामने है, वन सेकेंड रुको। अभी जो किया वो समझा आप लोगों को, कि हमको कोसेक थीटा की वैल्यू दी है, हमने उसे साइन थीटा ऐसा वैल्यूज निकाल दिए और डायरेक्ट पुट कर दिया आंसर आगे। ठीक है, मैं इसको खुद सॉल्व करता हूँ, इसको हम इजीएस्ट वे में, इसको क्या हम पूरे को कोसेक थीटा में चेंज कर सकते हैं, आपको कल बताऊंगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करके इसको, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे तरीके हैं, हर मेथड करेक्ट होता है। ठीक है वैष्णवी, क्लियर है? ये इसका इजीएस्ट तरीका है, आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो और पुट कर सकते हो। मैं फिर भी ढूंढता हूँ क्या इसको कोसेक स्क्वायर में कोई कन्वर्ट करने का तरीका है क्या। और कोई डाउट डी नाइन में या फिर डी टेन पे चलेंगे? एनी डाउट्स? डी नाइन आगे चलें? चलिए डे टेन पे चलते हैं। डे टेन का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस कैसे हैं, ये क्वेश्चन थोड़े से यूनिक हैं, अभी तक हमने ये क्वेश्चंस नहीं किए थे। इन क्वेश्चन की यूनिकनेस कैसी है, इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी आपको कॉस 4 थीटा भी आएगा, कॉस या कॉट 6 थीटा भी आएगा, साइन 8 थीटा भी आएगा। तो इस तरह की वैरायटी को कैसे सॉल्व करते हैं आज वो हम सीखेंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों की जो ये क्या कहते हैं आइडेंटिटीज होती हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए प्लस बी का होल क्यूब एंड ए माइनस बी का होल क्यूब, ये कई बार यूज होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ रहे थे, पावर 4 और पावर 6 के क्वेश्चंस भी हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, अब लोग क्वेश्चंस देखना तो शुरू करो। फर्स्ट क्वेश्चन डे 10 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये एक वैरायटी आपने पहले भी किया था, एक ही क्वेश्चन किया था, अब इसकी वैरायटी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस है। ए पार्ट आपको क्या दिया है, कोस 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले किया था, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पर वही करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आगे, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अभी हमने क्या किया, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया। हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बन जाता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन में चेंज करते हैं, तो माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस को अंदर ले लो, 1 माइनस 1 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा साइन फोर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैरायटी हमने पहले भी किया था, क्लियर? ये आप लोग 10 और सेक में कर चुके हो, इसमें कोई डाउट कोई शक? क्लियर? चलिए अब इसका हम लोग करेंगे बी पार्ट। ये भी समथिंग उसी टाइप की वैरायटी है। यहां पर आपको दिया है कॉट फोर थीटा कॉट की पावर फोर थीटा माइनस वन, ठीक है? और इसको चेंज किस में करना है? कोसेक में चेंज करना है, ठीक है? अभी देखो कॉट की पावर फोर थीटा माइनस वन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर फोर। अब इसको ऐसे लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर का स्क्वायर, इससे क्या बन गया अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन और ये आपका होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, ठीक है? हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू वन। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो जहां पर भी कॉट स्क्वायर थीटा है उसकी जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है? तो देखो क्या बन गया, ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और ये माइनस वन तो इसमें अलग से है, तो माइनस वन ब्रैकेट। अब इस कॉट की जगह तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस वन, ये माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टू और यहाँ बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक फोर थीटा माइनस टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इनसे पूछा गया था कॉट फोर थीटा माइनस वन इक्वल टू कोसेक फोर थीटा माइनस टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई डाउट को शक इन दोनों में? फोर्थ स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। देखो प्रियांशु, मैंने अभी बताया था आपको कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये यहाँ पर क्या है कोट थीटा, यहाँ पर भी क्या है कोट स्क्वायर थीटा, है ना? तो हमने क्या किया, इन इस कोट की जगह ये पुट किया, तो इस कोट की जगह ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और यहाँ पर माइनस वन पहले से ही है, ये माइनस वन वही है। अब यहाँ पर भी कोट स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ पर प्लस वन पहले से ही है, यहाँ पर प्लस वन है, ठीक है? और तो यहाँ पर माइनस वन और माइनस वन है तो क्या बनेगा माइनस टू, यहाँ पर माइनस वन है और प्लस वन है तो दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टू और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी क्लियर आयुषो आप प्रियांशु? चलिए गुड, अभी अगला क्वेश्चन पूछते हैं सी वाला पार्ट। कुछ नया सीखेंगे, सीखेंगे कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड फिर से पर शॉर्ट फॉर्म।
अगर आपको ऐसा दिया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वो कहे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज कर, तुम क्या करते हैं प्लस टू ए बी एंड माइनस टू ए बी करते हैं, है ना। या दूसरा तरीका, अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसमें चेंज करना है, यहां पर मैं करूंगा प्लस टू ए बी और यहां भी कर दूंगा टू ए बी, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो चीज हम लोग सी क्वेश्चन को करने के लिए देखो सॉल्व करेंगे, हम लोग इस चीज को यूज करेंगे। तुमको दिया है सी पार्ट, साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा, और हमको इसके इक्वल लाना है इसको, ठीक है। अभी देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन की पावर टू थीटा का स्क्वायर, जैसे ए फोर दिया हो उसको हम कैसे लिखते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेम रहता है। तो उसी तरह हम साइन फोर थीटा को कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, उसी तरह इसको कैसे लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है सर कांट। हाँ वही लिखेंगे बच्चा, अभी उसी चीज की बात करें। तो ये क्या बन गया एक तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमको इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, तुम क्या करेंगे प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो प्लस किया हम उसी को माइनस कर देंगे। ये स्टेप सबको समझा गया, हमारे पास केवल दिया है साइन की पावर फोर थीटा एंड कॉस की पावर फोर थीटा, उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इसको क्या किया, ये वाला पार्ट इसमें ऐड किया और ये वाला पार्ट मैंने इसे से माइनस किया, तो इसका एक्चुअल जो इक्वेशन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना। अब क्या करेंगे हम इसको कंबाइन लिखते हैं, आपका क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये आपका क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे फोर ए आपको दिया है मैं सब प्लस वन कर दूं और माइनस वन कर दूं तब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आती है फोर ए, तो हमने यहाँ पर ये पार्ट प्लस किया और इसी पार्ट को हमने माइनस कर दिया, तो ये इक्वेशन वैसी रहेगी, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट क्या बन गया, वन वन का स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो बन गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। हाउ डू यू कन्वर्ट साइन, बेटा मैं सी वाला कर रहा हूँ, अभी डी वाला नहीं किया मैंने, ये सी है साइन की और ई में है साइन सिक्स थीटा, ओके शेफाली हम अभी सी कर रहे हैं, ई अभी करेंगे थोड़ी देर। ये क्लियर सबको, कोई डाउट इसमें किसी को सी वाले पार्ट में, क्लियर सबको। अभी देखो सी और डी में क्या डिफरेंस है, सर वंस मोर फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है।
उसको समझाने के लिए मैं डी वाला करता हूँ, क्योंकि देखो सी और डी सेम है। यहाँ पर क्या दिया है, साइन फोर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या दिया है, साइन फोर थीटा माइनस को स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, चलो आप इस पर समझा लेता हूँ। हमको दिया था साइन की पावर फोर थीटा एंड कॉस की पावर फोर थीटा, इसको हमने कैसे लिखा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, हमने पावर ऐसे चेंज कर दिया, ये स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। फिर क्या किया, इस पार्ट को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, सर हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, विद प्रैक्टिस बेटा जी, इसलिए कह रहा ट्रिगोनोमेट्री जितना करोगे तो आपको याद आ जाएगा इस क्वेश्चन में ये चीज यूज करनी, इसी को प्रैक्टिस करना विद एक्सपीरियंस। तो ये क्या है ए स्क्वायर और ये क्या है बी स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, हमको प्लस टू ए बी चाहिए, तो मैंने प्लस क्या किया, प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और वही चीज मैंने क्या कर दी, माइनस कर दी, ताकि इक्वेशन नलीफाई हो जाए, जो चीज हम प्लस करते हैं वही चीज हम क्या कर देते हैं, माइनस भी करते हैं। रैशनलाइज में हम लोग क्या करते हैं, जो चीज मल्टीप्लाई करते हैं उसी चीज को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये अब इस पार्ट को जब पूरा लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो क्या होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर, माइनस यहाँ पर जो बचा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या होता है वन होता है, वन स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका आंसर आ गया। अभी भी किसी को डाउट, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट तो दो लाइन का है, यहां पर क्या दिया है साइन फोर थीटा माइनस कॉस फोर थीटा, और आंसर में क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब प्लस होता है तो बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, जब माइनस होता है वो सबसे इजी सॉल्व होता है। इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ऐसा कुछ। अब ये क्या होता है आपका वन होता है, तो वन इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका आंसर आ गया एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। तो पावर से बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका लॉजिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो सी क्वेश्चन में हमें काफी कुछ करना पड़ा उसको कंप्लीट थिंग स्क्वायर बनाने के, हमारा पर्पज देखो ये होना चाहिए कि हम जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, चाहे पावर फोर वाले हों चाहे सिक्स वाले हों चाहे एट वाले हों, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपको साइन और कॉस में मिलने वाले हैं, टेन में कभी कभी है, तो उसमें आप कोशिश क्या करो, आप उसको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बनाने पर मतलब पूरा अपने को वही करना है, जोर लगाना है, तो उससे क्या होगा वो वन बन जाता है बार बार। ठीक है, अब टी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ पर साइन की पावर सिक्स में आ गई ये पार्ट, साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस की पावर सिक्स थीटा। अब आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए, एक तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉस क्यू एक ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब थीटा का स्क्वायर। बताइए हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए। गुड गुड कुबेर, गुड 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 गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो गए सब लोग यार, और कोई इंटेलिजेंट भी है इसमें? तुम सब लोग गलत हो। एक ने बी मार तो सबने बी भी मार दिया, और सर ने बोला कि हाँ तुम लोग इंटेलिजेंट हो। अब अभिषेक ने ए लिखा, वाह अब तुम लोग चालू हो गए ए लिखना, सोचना होता है, मैंने पहले कहा सोचना है। यहाँ पर देखो साइन क्या है, क्यूब है, हमारी कोई भी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ वो साइन क्यूब और कॉस में नहीं है, आइडेंटिटी किसमें है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इवन में चलेगा, ऑड में तो बिल्कुल नहीं चलता। साइन की पावर फोर थीटा चलेगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा में उसको चेंज कर सकते हैं, एग्री। पर साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा कुछ नहीं होता है, इसलिए हम लोग बी गलत है, यही तो बोल रहा हूँ, यही आपको समझना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको सोचना है इसमें राइट क्या है, तो ये हम ए पार्ट को लेकर चलेंगे तो ये सॉल्व होगा, ठीक है। हमने साइन सिक्स थीटा इसे बोला, ये गलती होती है इसलिए पहले बता दिया कि ये नहीं करना है, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब देखो हमको मालूम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बताइए क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म में होता है, क्या होता है, व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बताइए भाई और बहनों, व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, याद होना चाहिए, कहाँ गूगल पे सर्च मारो तुम लोग, दिख जाता है कोई से। रमेश ने सबसे पहले बताया ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, मैं कुछ वो ढूंढ रहा हूँ जो ऋतुजा ने बताया, दो फॉर्मूले पक्का होते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, एग्री है, पर उसमें रमेश उसमें ए प्लस बी का स्क्वायर नहीं आता, उसमें क्यूब आता है, ठीक है। तो ऋतुजा ने सबसे पहले एकदम करेक्ट बताया, हमको वो फॉर्मूला यूज करना है जो हमारे काम का है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपना होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसा क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ए का वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी का वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है वन हो जाता है। तो हमको वही मैं बताया स्टार्टिंग में, हमको ये जो इक्वेशंस हैं इसमें हर जगह क्या कोशिश करनी है कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना दें, उससे उसको सोल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग याद रख लो, बार बार हम लोग इसको यूज करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो उसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी हो गया ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है माइनस ए बी, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर कॉस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। ये क्लियर सबको स्टेप, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
ये आपको लिखना आना चाहिए। अभी आगे चलें, ये देखो ये पार्ट क्या बन गया हमारा वन, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अंदर वाले को थोड़ा रीअरेंज करेंगे, ये आपका बन गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर सर वाई। बेटा आइडेंटिटी देखो ना शपल, ये मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए का वैल्यू क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर है ना, अभी समझे। थोड़ा ध्यान से देखो क्या हम कर रहे हैं, आइडेंटिटी को हमने एज इट इज लगाया है, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अभी ये तो हमारा वन हो गया, ये वाला पार्ट ये तो वन बन गया, इसका जोर तो नहीं है, ठीक है। अभी इसको हमने पहले लिखा है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साथ में कुछ होता नहीं, इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या करेंगे, ये फिर से वही बन गया, ये कैसे बना, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या आया था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, हमको फिर से वही करना है प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी, तो देखो क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, उसी को माइनस करेंगे माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, वही लास्ट में अलग से है माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने ये चीज प्लस की और ये चीज मैंने माइनस कर दी। और इसको जब कंबाइन करके लिखते हैं ये स्टार्टिंग के तीन को, तो क्या बन जाता आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तब तक क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस टू है और ये माइनस है, तो टू माइनस वन माइनस थ्री, तो माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये भी क्या बन जाएगा हमारा वन, वन का स्क्वायर वन, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी क्लियर सबको, कोई डाउट आप लोग पूछ सकते हो एनी स्टेप। बताइए भाई और बहनों किसी भी स्टेप में आप लोगों को डाउट है, वसुधा को फोर्थ स्टेप में चेक करना पड़ेगा फोर्थ स्टेप को, क्वेश्चन तो माइंड बुलाएंगे समझ में आने बहुत जरूरी है। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये आपका थर्ड स्टेप और ये आपका फोर्थ स्टेप, ठीक है थर्ड लास्ट। तो देखो यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मैंने किया और साथ में माइनस टू ए बी कर दिया, अभी मैंने आपको सिखाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे प्लस टू ए बी एंड माइनस टू ए बी, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी का वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, अभी क्लियर। और लास्ट में माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपको गिवन है, फिर हम दोनों इन इस पूरे को कंबाइन किया तो ये क्या बन गया ए प्लस बी का
होल स्क्वायर। आगे चल सकते हैं। एक क्वेश्चन बाकी, साइन फोर थीटा माइनस सेक्स का थीटा, ये तो हमने पहले सॉल्व कर लिया था, ठीक है ना, ये हमने शायद डे सिक्स या सेवन में सॉल्व किया था, ये हमने सेक को सेक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, ये हो गया था, ठीक है, आप लोग ट्राई कर लेंगे इसको। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, नई वैरायटी। ओके जी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस, हमको इसके इक्वल प्रूफ करना है। जी है? यस, तो बहुत इजी है। इसके दो मेथड है, पहले इजी वाला सिखाता हूँ फिर मुश्किल वाला सिखाता हूँ। तो इजी वाले तो क्या समझ में आता है, यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और मुझे मालूम है कि टेन किस में चेंज होता है सेक्स का थीटा, ये किस में चेंज होता है कॉस एक्स का थीटा, है ना। और देखो यहाँ पर क्या दिया है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं वन अपॉन साइंस का थीटा, और कॉस कैसे लिखते हैं वन अपॉन सेक्स का थीटा, है ना, कुछ कुछ वैसा वैसा। तो हम इसको पहले इस मेथड से सॉल्व करेंगे, इसका दूसरा मेथड भी है पर मेरे को इजी दिखा, अभी देखते उसको समझ में आया मेरे को। तो हमने क्या किया, इसको क्या बना दिया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकंड स्टेप, हमको मालूम है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये वाला पार्ट क्या बन गया सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे, तो सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टू, यहाँ भी माइनस वन है यहाँ भी माइनस वन है, दोनों प्लस हो गए क्या बन गए माइनस टू। अब क्या करेंगे इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो, ये बन गया वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू, ठीक है। अभी देखो आपको आंसर में माइनस टू है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, उसको वैसे ही रखेंगे, केवल इस पार्ट का हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या बन गए साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर भी क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू, ऊपर का पार्ट क्या बन जाएगा वन, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू। अगर आपसे पूछा जाए ऐसे भी उसका आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो तो आपको पहले से ही कोई डाउट कोई शक, ये इजीएस्ट मेथड इसका। लगा एकदम इजी, टफ भी है। टफ वाला सीखना है या इजीएस्ट काम चलाना है? लास्ट स्टेप दिखा दो, जी टफ वाला सीखना है या काफी है इजी वाला मेथड? हाँ कॉपी कर लो, डोंट वरी। लास्ट टाइम हमको ये पता है सेक्स स्क्वायर थीटा ये क्या होता है वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का एलसीएम ले लिया तो एलसीएम क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा
तो कॉस का थीटा, और ऊपर वाला पार्ट क्या होता है वन, नीचे का जेड इज इसमें ये वाला भी है। अब बी पार्ट सिखाता हूं, मैं समझ गया आप लोगों को टफ पार्ट नहीं सीखना, इजी मेथड आपको चाहिए, हमेशा केवल एक ही डिमांड नहीं, पब्लिक डिमांड होती तो पक्का बताता, पब्लिक इजी से एकदम खुश है सर मत बताओ हम उसमें संतुष्ट हैं। आई नो द पब्लिक नर्व्स, पब्लिक क्या चाहती है, इंडियन पब्लिक सस्ता होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, तुम इसका हाँ तुमको जानना है ना, तो तुमको क्या करना है इसका एलसीएम लेना है, तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा, ऊपर बन जाएगा साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा, फिर अभी जो हमने सॉल्व किए थे साइन फोर थीटा और कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, उसकी जगह ये पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इंडिया ओनली वन टू नो सस्ता एंड अच्छा। चलो बी पार्ट, बी पार्ट में दिया है cos theta upon 1 minus tan theta plus sin square theta upon sin minus cos a। अब देखो यहाँ पर दिया है sin a minus cos a और यहाँ पर tan दिया है, आपको मालूम tan किस में चेंज होता है, sin और cos में चेंज होता है, ठीक है, तो जब इसको हम LCM लेंगे वो समथिंग ऐसा बन जाएगा cos a minus sin a, हमने शायद इस क्वेश्चन पहले भी किए थे, तो देखो क्या बन जाएगा cos theta upon 1 minus sin theta upon cos theta plus sin square theta, यहाँ पर आपका है sin theta minus cos theta, मैंने इस पार्ट का एलसीएम लिया तो हो गया cos theta upon cos theta minus sin theta upon cos theta plus साइन स्क्वायर थीटा एंड ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कहाँ चला गया ऊपर चला गया, तो क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस है, तो इस वाले का मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा cos square theta upon cos theta minus sin theta minus sin square theta, नीचे हो जाएगा अभी cos theta minus sin theta cos theta minus sin theta, अब नीचे का denominator सेम हो गया, तो cos theta minus sin theta, ये क्या बन गया आपका ऊपर cos square theta minus sin square theta, ये प्लस का साइन तो है नहीं माइनस का साइन है, तो क्या बन गया a square minus b square, तो cos theta minus sin theta, यहाँ पर आ गया cos theta plus sin theta, नीचे क्या आ गया cos theta minus sin theta, ये कैंसिल, क्या बच गया आपका cos theta plus sin theta, और यही आपको लाना है, कोई डाउट कोई शक। न्यू इंडिया के लिए मैंने बता दिया उसको करना कैसे, तो न्यू इंडिया कैसा है कोशिश करने को न्यू इंडिया कहते हैं, केवल मैं कर दूं और तुमने समझ लिया उसको न्यू इंडिया नहीं कहेंगे, अभी जब से कोरोना है तो आजकल गरम काढ़े का शौक हो गया। सर फर्स्ट स्टेप एक बार, यहाँ पर आपको टेन थीटा दिया था, तो टेन थीटा को हमने क्या लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फर्स्ट स्टेप में इतना ही बचा, बाकी कॉस सेम था
साइन भी सेम है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी सेम है। फिर हमने क्या किया उसका यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अगला स्टेप है ये देखो जी प्रियांशु चले आगे। सी पार्ट, सी में लेफ्ट में साइन दिया है और कॉस दिया है ओके और यहां दिया है वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक स्टेप में हो जाएगा। बताइए कैसे हो एक स्टेप में, बताइए क्या करूं, मुझे आंसर दिखा क्या, आपको आंसर दिखा क्या। सी पार्ट ध्यान से देखो तुम कौन सा दिखाई दे, इसमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑन द लेफ्ट, मेरे दिमाग में आया था उसको ट्राई करता हूँ ये हो सकता है क्या। ये देखो वन प्लस साइन थीटा स्क्वायर नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। मैं ट्राई करता हूँ कैसे होता है। वन प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये भी क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर नीचे बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वन माइनस साइन थीटा और यहाँ बनेगा वन प्लस साइन थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर नीचे बनेगा वन माइनस साइन थीटा एंड वन प्लस साइन थीटा। ये सबको समझा मैंने क्या किया, मैंने कॉस से दोनों को डिवाइड किया तो नीचे को कॉस को मैंने वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, फिर जो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको मैंने लिखा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये तो मैं रुक गया यहाँ पर इसलिए आगे नहीं भागा। वापस फिर से ध्यान से देखो ये नीचे दोनों के नीचे क्या है कॉस का थीटा है, तो कॉस का थीटा इसके नीचे एंड कॉस का थीटा इसके नीचे। वन प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा का वापस बदलता हूँ थोड़ा एरियाज हो गया। मैं कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों को डिवाइड किया ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है। अब ये क्या है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अभी क्लियर हुआ यहां तक स्टेप, आप जब कहोगे तभी आगे चलेंगे। शिफाली जी क्लियर, अभिषेक क्लियर, जो जीरो दबाते तो पक्का रिप्लाई किया करो, बाकी रिप्लाई नहीं किया तो चलेगा मुझे। अभी भी क्लियर नहीं है, नो सर समझ गए उसके लिए है या डाउट नहीं उसके लिए, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। अरे भगवान अभिषेक ऐसे मत कर यार, ये देखो नीचे कॉस का थीटा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस साइन का थीटा लिख सकते हैं
बता हाँ या ना, यस और नो? यस। अभी देखो, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, a+b और a-b? बताइए शेफाली और अभिषेक जी, बोलो। चौबीस जी, आप तो समझ में आ गया, उतने मैंने किया है, मैंने केवल ऊपर तो कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ नीचे चेंज किया है, बच्चों वाली चीजें हैं। चलो, इस स्क्वायर से ये 1 प्लस sin थीटा कट गया और इससे ये 1 माइनस sin थीटा कट गया। अभी देखो क्या बच गया, 1 प्लस sin थीटा और नीचे 1 माइनस sin थीटा, यहाँ पर 1 माइनस sin थीटा, तो यहाँ बच गया 1 प्लस sin थीटा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 1 माइनस, हम घूम फिर के वहीं पर आ गए, यही इसकी खासियत है। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा करेंगे, हम तो घूम फिर के उसी स्टेप पे आ गए। देखो हम एलसीएम लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin थीटा एंड 1 प्लस sin थीटा, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ओके रुतुजा, 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखो हम घूम फिर के वहीं पर आ गए, इसको मतलब इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, हम ऊपर की ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तब होगा, इस तरह नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री में ये भी होता है, जहां से शुरू करो वहीं पहुंच जाओ, आंसर कहीं बीच में छूट जाएगा। सेकंड तरीका, ऊपर वाले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो हम ऊपर वाले ओपन करते हैं 1 प्लस sin थीटा, ये बन जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा, ये तो ज्यादा इजी है। नीचे क्या अपना कोस का थीटा है, उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 sin थीटा से 2 sin थीटा कर, ये तो बहुत ज्यादा है, 2 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे क्या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, लो जी आ गया। मैं चेक करूंगा उस स्टेप से क्यों नहीं आया, उससे भी आना चाहिए, क्लियर ही बना, इसमें कोई डाउट हो सी वाले पर इजी था, हम लोग इसको घुमा लेंगे। शेफाली जी, अभिषेक जी, आपको समझ में आया दोनों को? स्नेहल जी, आज स्नेहल लोखंडे जी, आपने आज तक तो डाउट ना पूछा भाई, कुछ लोग बिल्कुल डाउट नहीं पूछते, लगता एकदम समझ में आया था। ऐसा कोई आज कुछ नए नए लोग रिप्लाई आ रहे हैं, सर 10 सेकंड के आंसर के लिए हमें 3-4 मिनट लग गए। नहीं, मैं ये कह रहा था, मैं उसको भी देख रहा था क्या उससे आ रहा है कैंसर, मैं ट्राई कर रहा था भाई, प्रैक्टिस मतलब इसी को तो बोलते ना साइंटिस्ट, आदमी क्या सोचता है यार ऐसे भी हो सकता है क्या, जो साइंस में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है कैसा होता है, जो बोला वो कर लिया, मैथ वाला जो
वो कैसा होता है यार, ये भी ट्राई करके देखता हूँ, ये भी ट्राई करके देखता हूँ, क्या होता है क्या, ऐसी सोच होनी चाहिए। हर किसी के पास लाइफ बॉय थोड़ी है। इसका क्या मतलब प्रियांशु? ये जोक मैं नहीं समझा, बाकी समझ लोगे, मैं ना समझा। चलो अब डी पार्ट करते हैं। प्रियांशु इसका मतलब क्या है? लाइफ बॉय है जहाँ। अच्छा अच्छा जी, डी पार्ट। डी वाला तो हमने अभी किया था कि ऊपर कौन सा क्वेश्चन। अच्छा डी देखो, इसके एक जैसे ही है। यहाँ पर क्या था, कॉस अपॉन 1 माइनस 10 ए। यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 10 थीटा। केवल यहाँ पर कॉस की जगह क्या आ गया, कॉस का थीटा आ गया। और यहाँ पर आपका क्या था, साइन स्क्वायर थीटा था। यहाँ पर आपका क्या आया, साइन क्यूब थीटा आया। चलो ये लोग आप खुद ट्राई करोगे। ये बी पार्ट आपको, बी पार्ट मैंने आपको समझाया था, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, एंड ये साइन क्यूब थीटा। तो ऊपर लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे, ये वाला सी थर्ड का डी पार्ट। हरिबोल गुरु जी, राधे श्याम राधे श्याम। मैं क्लास ले रहा था अभी, मैं क्लास ले रहा हूँ, 10-15 मिनट में फ्री हो जाऊंगा। नहीं अभी है, 10-15 मिनट में फ्री होता हूँ मैं। हाँ यस बोल, हरिबोल। कौन सा है, ई वाला पार्ट। ई वाला पार्ट भी इजी है, ये भी आपको खुद करना है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या है, ए प्लस बी। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी। ध्यान से देखोगे तो ए की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। बी की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। इसको इस पैटर्न में चेंज करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ट्राई करना, आंसर पक्का रहेगा। ठीक है, ये सी ई भी आप खुद ट्राई करोगे। कॉट स्क्वायर थीटा ये वाला, इसमें भी आपको क्या करना है, जीरो आएगा। ये मैं कल आपको समझाऊंगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपके हैं थर्ड क्वेश्चन में, ये मेरे समझाने लायक है, आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। ये साइन सिक्स, ये वाला आप ट्राई कर सकते हो, साइन सिक्स थीटा एंड कॉस सिक्स थीटा। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, ये वाला बहुत इजी है, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे। इसके आपको हिंट दे देता हूँ, क्या दिया है, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8। पहले इसको कैसे लिखेंगे, ए की पावर 4 थीटा माइनस बी की पावर, ऐसे बी क्या बन गया, ए 4 प्लस बी 4, ए 4 माइनस बी 4। इसको फिर से स्प्लिट करेंगे तो ऐसे बन जाएंगे, ए स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस थीटा। यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। बी की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसमें पुट करोगे ये 1 बन जाएगा। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, कैसे करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये फिर 1 बन जाएगा, 1 माइनस 2 ए बी। और यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर वही है, 1 माइनस 2 ए बी यहाँ पर, और ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और लास्ट में ए और बी का वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो। ये भी आप लोग ट्राई करोगे,
ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। तो डे 10 आपका कंप्लीट होमवर्क है, एक दो क्वेश्चन मैंने अपने लिए छोड़ दिए हैं, वो हम कल समझेंगे, तो कल हम डे 11 भी स्टार्ट करेंगे, तो इस हफ्ते मोस्टली आपका खत्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। फिर अगले मैं अभी पोल रखता हूँ कि कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे या पोलर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसने अटेंडेंस ना दिया हो प्लीज आप लोग अटेंडेंस दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच। राधे श्याम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। शिव पटेल मैं करूंगा बेटा, मेरे को कल टाइम नहीं मिला और आज भी टाइम नहीं मिला, कल सुबह टाइम मिलेगा तो मैं भेजता हूँ रिजल्ट, ठीक। कल तो मैं सारे दिन बिजी था सर। लॉर्ड इज सेड टू बी डिस्ट्रॉयड बट व्हाट डज ही डिस्ट्रॉय? जो भगवान ये ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि लॉर्ड विष्णु को प्रोटेक्टर कहा जाता है, लॉर्ड शिवा को डिस्ट्रॉयर कहा जाता है एंड लॉर्ड ब्रह्मा को क्रिएटर कहा जाता है। तो लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं, और जब प्रलय का समय आता है तब उसको नष्ट किया जाता है, तो वो नष्ट शिवा करते हैं। जो आप अर्थ देख रहे हो इसके अंदर जितना भी ये ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल स्पीसी सब है, सब नष्ट होते हैं। शफल द क्वेश्चन आफ्टर टेकिंग 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स एग्जाम। ओके बेटा प्रियंशु, मैं कोशिश करूंगा, पर आप लोग उनसे पूछो मत ना, ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ पहले।